आज सोनीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आयोजित वृद्धावस्था सम्मान समारोह एवं जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। ये कार्यक्रम दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी मूर्थल में रखा गया था। 3000 से ज़्यादा आवेदकों को पेंशन आज से जो है वो स्वीकृत की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। बता दें कि हरियाणा सीएम खट्टर जी ने बटन दबाकर 3000 से ज़्यादा लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सर्टिफिकेट देकर भी बधाई दी है। सोनीपत जिले के सभी ब्लॉक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सर्टिफिकेट दिया गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री जी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सम्मानीय बुजुर्गों के बीच आकर आनंद की अनुभूति हो रही है। गरीब परिवारों में जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं थी उन्हें 5% अंक अलग से दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन और नशों से दूर रहने का संदेश दिया है। जन संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते कहा कि घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं लेकिन कटोरा उठाकर केंद्र सरकार के पास चले आ जाते हैं। हरियाणा में 1,12,000 लोगों की पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो गई है, जिनमें से सोनीपत में भी 3,000 लोगों की ऑटोमेटिक बुजुर्ग पेंशन बनी है। 8 साल पहले कांग्रेस के राज में 50 से 52 साल के लोग पेंशन बनवा लेते थे, लेकिन अब जो है वृद्ध सेवा आश्रम की योजना के द्वारा 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लाया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। परिवार पहचान पत्रों को लेकर भी 3,00,000 शिकायतें आई थी, जिन्हें काफी हद तक निपटा दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।